दोनों ये देखो, दोनों बच्चों की एडिटिंग चालू है। दीदी आप ये क्या कर रही हो यहाँ पे बिना स्वेटर के? इतनी सारी ग्रीनरी है तो थोड़ी ऑक्सीजन ले रही हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन भर भर के ले जाऊंगी मुंबई। यहाँ से फेफड़ों में मैं ऑक्सीजन भर लूंगी और वहां जाके बॉम्बे में सबको ऑक्सीजन दे दोगी क्या? ऑक्सीजन निकलेगी करने से। तो ये हमारी गोवर्धन पूजा की तैयारियां हो रही है। दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा होती है। जैसे कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को सर पे उठाया था, एक फिंगर पे उठाया था, इंद्र देवता से ब्रजवासियों का बचाव हुआ था, उसी तरह ये गोवर्धन पर्वत हमने सुंदर सा तैयार किया है और ये सारी मुसीबतों से बचाएगा, ऐसी मान्यता है, प्राकृतिक आपदा से भी बचाएगा। भाई दूज और मैं जा रही हूँ अपने भाई को उठाने के लिए। चेतन उठ जा, उठ जा, उठ जा। भाई दूज है आज, जल्दी से हम तिलक करेंगे, उठ जा, जल्दी उठना। देख हम तो तैयार भी हो गए। वाओ चिंतन, यू लुकिंग सो प्रिटी। क्या पहना है आज? दिस इज आउटफिट फ्रॉम चारूस क्लोसेट एंड आई एम लविंग इट। वाओ, सो दिस इज फ्रॉम वेडिंग कलेक्शन एंड इट लुक्स अमेजिंग। दिस इज मस्टर्ड कलर विद नेट दुपट्टा एंड दिस इज गोल्डन एम्ब्रॉयडरी ऑन इट, वेरी ब्यूटीफुल वर्क ऑन इट, वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट। The look, I'm just loving the look and color and fabric is so comfortable. हम दोनों रेडी हो चुके हैं, आज भाई दूज है तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम अपने भाई को उठाने जा रहे हैं, वो सो रहा है। हम उसको दो बार उठा चुके हैं और वो बहुत ही गहरी नींद में था तो वो उठा नहीं, और हम अब पूरी तरह रेडी हो चुके हैं और देखते हैं कि उठा के नहीं। ये हमारे
हमारी पूजा की थाली भी रेडी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं भाई को तिलक करने के लिए। बस भाभी आ जाए, भाभी का वेट कर रहे हैं और उसके बाद करेंगे तिलक। तो जब तक भाई की शादी नहीं होती तब तक भाई को अकेले तिलक लगाते हैं, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है तो अब इन दोनों को साथ में तिलक लगाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बड़ी हूँ तो हमने गुलाब जामुन जो था इन दोनों को खिला दिया है। अब जो दो बची है वो हमने एक्चुअली हमारी फेवरेट है क्योंकि ये हमारी फेवरेट मिठाई है तो हमने रख लिया हमारे लिए। और आपको तो मैं खिला देती हूँ आगे आगे। आप कहो तो भाई दूज का फंक्शन हो चुका है और अब हम लोग वेट कर रहे हैं लंच के लिए। टेस्टी से करेले बने और जो मिठाई हमने अपने लिए बचाई थी वो तो लेकर I love this मिठाई। So, अब हम लोग सब साथ में खाना खा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई दूज के दिन सारे भाई बहन साथ में मिलके खाना खाते हैं ताकि उससे प्यार बढ़ता है। तो हम बस अपना प्यार और बढ़ा रहे हैं। All right guys, that's it for today. If you really like the video, please share it with your friends and family and do subscribe my channel.